कैसे यहाँ पर उचित मूल्य में यहाँ के किसानों को जो यहाँ पहाड़ के किसानों हैं या फिर जो तराई के किसान हैं उनको कैसे हम समृद्ध कर सकते हैं उन सारी बातों पर विचार किया गया है वो सारी बातें हमारे आ, हमारे जो है घोषणा घोषणा पत्र में रहेगा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बिजली का वादा हम लोगों ने किया है जो और पार्टियाँ भी कर रही है वो वादा उससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भी हैं क्योंकि हमें बड़ी खुशी हो रही इस बात को लेकर इस उत्तराखंड को जो बीस साल से एक कयास लगाए बैठे हमारी आम जनता है जनता है या उत्तराखंड की रमोला और आप देख रहे हैं आयपा आयपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और आयपा एक ऐसा प्रगतिशील राजनीतिक मंच प्रदान करने जा रहा है जो स्थानीय मुद्दों को और जन सरोकार मुद्दों को उठाने का काम करता आ रहा है और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं समीर रतुड़ी जी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मेनोफेस्टो कमेटी के और वो हमारे साथ हैं और उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं क्या क्या उनकी मेनोफेस्टो में इस बार इस चुनाव में हैं सर आपका एक तो आप आईपा में स्वागत है सर बहुत 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 धन्यवाद सूर्य भाई आईपा में मुझे बुलाने का बहुत बहुत आभार आपका सर क्योंकि आप, आप बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं चुनाव की तारीख ऐसे में सर क्या मेनोफेस्टो में सर खास रहा सर उत्तराखंड का जी देखिए आम आदमी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि मैनिफेस्टो में वो सारी बातें रहेगी जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और आमादी आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड की आम जनता के साथ वादे किए गए हैं तो जो ग्यारह गारंटी जो हम लोगों ने की है जो हमारे हर विधानसभा में पहुंचा है जिस पर्चे को लेकर हम लोग गांव गाँव गाँग, कदराओं पहाड़ कंदराओं में आम जनमानस से मिल रहे हैं उनको बता रहे हैं वो ग्यारह गारंटी जो है वो तो ऑलरेडी है ही है जो हम आ, जो हम लोग दे रहे हैं जो हम लोगों को मैनीफेस्टो में है लेकिन उसके अलावा जो हमने स्थानीय मुद्दे हैं जिसमें हम यहाँ की स्थानीय सहभागिता के आधार पर कैसे यहाँ विकास के मॉडल खड़े कर सकते हैं कैसे यहाँ पर हम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर कैसे यहाँ आपका जो सांगठनिक डर्रा है पूरा उसको कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है कैसे यहाँ की महिलाओं के लिए उत्थान के लिए हम कार्य कर सकते हैं कैसे यहाँ की जो उत्पादक है पहाड़ के उत्पादक उसके लिए कैसे हम नियोजन बना के कैसे उसकी विपणन प्रणाली को हम और सुदृढ़ कर सकते हैं कैसे यहाँ पर उचित मूल्य में यहाँ के किसानों को जो यहाँ पहाड़ी किसानों हैं या फिर जो तराई के किसान हैं उनको कैसे हम समृद्ध कर सकते हैं उन सारी बातों पर विचार किया गया है वो सारी बातें हमारे आ, हमारे जो है घोषणा घोषणा पत्र में रहेगा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बिजली का वादा हम लोगों ने किया है जो और पार्टियाँ भी कर रही है वो वादा उससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भी हैं क्योंकि हमें बड़ी खुशी हो रही इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी के आने से पूर्व कोई भी आदमी फ्री बिजली की बात नहीं कर रहा था लेकिन जैसी आम आदमी पार्टी के द्वारा या फिर हमारे जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ये फ्री पाँच सौ यूनिट फ्री बिजली की बात की गई है उसके बाद तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अब फ्री बिजली की बात करना शुरू कर दी है अभी हाल ही में आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी देखा होगा कि उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की है तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जिस विचारों के तहत हम लोगों ने बदलाव की बात पूरे उत्तराखंड में करनी शुरू की थी वो तो बदलाव की बात जो है और पोलिटिकल पार्टी भी करने लगी है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो प्रासंगिकता है जो हमारी आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको और उसको काम करने का तरीका है वो पोलिटिकल पार्टी अगर कर कबूल करेगी, फिर आम जनता भी कबूल करेगी ये हमारा मानना है सर क्यों क्या मानते हैं सर अभी प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी सर देखिए हमने बहुत स्पष्ट तौर से बोल दिया है बता भी दिया है लोग और चैनल्स पे भी हमने बात करी है हमने कहा है कि अगर आप आने वाले 2022 में जो सरकार बनेगी बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग से नहीं बनेगी और इस तौर पर हमने साफ स्पष्ट किया है कि हमारी जो है 16 से लेकर 20 के बीच तक के करीब हमारी कोई सीटें आएगी जिसमें हम लोग अपनी दावेदारी कर चुके हैं मतलब कि हमारा मतलब ये मानना कि इतनी सीटें हमारी आएंगी तो अब कोई भी सरकार बनेगी मान लीजिए या तो फिर हमारे नेतृत्व में सरकार बनेगी या फिर जिनके नेतृत्व में सगाब बनेगी उनको आम आदमी पार्टी का सहयोग लेना ही पड़ेगा ये निश्चित तौर पर मान रहे हैं सर आम आदमी पार्टी का एक हो रहा है कि दिल्ली मॉडल को भी प्रदेश में उतारा जाएगा तो क्या सर स्थानीय मुद्दे भी क्या रहेंगे सर खास कर यहाँ के लिए देखिए मैं दिल्ली मॉडल की तो मैंने आपसे कहा कि जो 11 गारंटी है वो ग्यारह गारंटी जो है वो दिल्ली मॉडल के साथ साथ यहाँ के मॉडल को लेकर भी बात की गई है उसमें चाहे फ्री बिजली की बात हो चाहे आपके फ्री एजुकेशन की बात हो या एजुकेशन हाई क्लास के एजुकेशन की बात हो या मोहल्ला क्लिनिक वाले जो बात है उसको उसकी बात हो या फिर जो फौज जो रिटायर रिटायर जो कर्मी हैं उनके लिए रोज़गार की बात हो जो फौजी कर्मी हैं उनके रोज़गार की बात हो या फिर जो शहीद लोग हैं उनको उनको एक करोड़ देने की बात हो सारी चीज़ें तो हैं ही है उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है मरीन बस्तिकों को मालिकाना हक दिलाने वाली बात भी वो भी हमारे उसमें मैनिफेस्टो में भी है इसके अलावा जिन मुद्दों को हम लगातार पिछले 20 सालों से उत्तराखंड वाले के के जो नौजवान हैं या जो महिलाएँ हैं या जो यहाँ के वासिंदे हैं जिसकी कयास लगा के पूरे बीस साल से वो कयास लगाए बैठे हैं उन सारी बातों को भी हमने अध्ययन किया है और उस बातों को हमने मैनिफेस्टो में डाला है जैसे माल हम टूरिज़्म और पर्यटन को और तीर्थ तीर्थाटन को अलग अलग रूप से हम देखना चाहते हैं और उसको अलग ढंग से विकसित करने की बात भी है हमने इस बात को भी मैनिफेस्टो में भी रखा है कि किस प्रकार से स्थानीय जनता की सहभागिता से हम पर्यटन को और बढ़ावा दे सकते हैं हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि जो हमारे कोला झमोरा जो उत्पादक है जिसकी जिसकी गाथा हम लोग गाते ज़रूर हैं लेकिन उसके लिए हम काम नहीं कर पाते हैं उसको विपणन प्रणाली में कैसे लाया जा सके और उसको कैसे हम पूरे देश के अंदर ओपन मार्केट में एक्सप्लोर कर सके उसके लिए हमने उसके लिए हमने उक, एक मैनिफेस्टो में डाला भी है हमने यह भी ये भी प्रयास किया कि महिलाओं के लिए जो है महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए कैसे महिलाओं को कैसे और प्रोत्साहित किया जा सकता है अभी जैसे हाल ही में हमने कहा था कि अठारह साल से ऊपर जो भी महिलाएँ होगी उनको उनको प्रत्येक महिलाओं को हज़ार रुपये मतलब सरकार बनने के बाद प्रतिमा दिया जाएगा तो ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि मतलब उनको हम लोग पैसों से कुछ करने वाली बात हम इसलिए दे रहे हैं कि महिलाओं को अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पतियों से पैसा ना मांगना पड़े या कुछ ना मांगना पड़े वो अपने आप में स्वलम्बी हो सके और अगर उनको कुछ छोटा मोटा दो काम भी करना है तो उसको उसको इकट्ठा करके ये बात सत्य है कि पहाड़ की महिलाओं ने ही पहाड़ को जिंदा रखा हुआ है और पहाड़ की महिलाओं को प्रोत्साहित करना मालिक बहुत जरूरी है जिस हिमालय की का हम लगातार गा रहे हैं जिस हिमालय को लेकर हम उत्तराखंड वासी बड़े गर्भावित होते हैं उस हिमालय को बचाने वाला यहाँ का वासिंदा नहीं है उसको बचाने वाला यहाँ का जो है वो महिलाएँ हैं जिन्होंने जंगल जिंदा रखे हैं जिन्होंने गांव जिंदा रखे हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति जिंदा रखी है जिन्होंने हमारी सभ्यता जिंदा रखी है इसलिए उनको उनको फोकस करते हुए हम लोगों ने कई चीज़ें मैनिफेस्टो में डालने का प्रयास भी किया है और आने वाले समय के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे द्वारा किए गए वादे जो आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ वादे किए हैं उसको अक्षरशा पूरा किया जा सके और जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं उसको आने वाले पाँच साल के अंदर हम उसको पूरा किरायाबींद करने का प्रयास कर सकें और उसको हम धरातल में ला सकें ये हमारा विचार है क्योंकि अगर आपकी इस बार बीस बार बीस से बाईस सीटें आती हैं ऐसे में सर क्या शर्त रहेंगी जो आपकी बीजेपी और राष्ट्रीय दल जो भी सरकार बनाएगा उसमें क्या शर्तें रहेंगी आपकी आपकी सहभागिता बनेगी सर देखिए सरकार किसके साथ बनती है इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता लेकिन आप जो मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या शर्त मैंने अभी पूर्व में ये बात बोली है आपको कि हमारा हमारा मकसद ये नहीं कि हम सत्ता में आए आम आदमी पार्टी का मकसद यह है कि जो आम जनता के साथ किए हुए हमारे वादे हैं वो पूरे होने चाहिए क्योंकि वो वादे ही हैं जिन वादों के आधार पर जनता हम पे विश्वास रख रही है तो इसलिए उस विश्वास को हम अपनी बातों में रहें उस विश्वास को पूरा कर सके तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि जिस भी सरकार के साथ हमारा गठबंधन होगा या जिस भी सरकार के साथ हम रहेंगे उस सरकार वो चाहे हमारी सरकार हो चाहे हमारे साथ जुड़ी दूसरी सरकार हो हम स्पष्ट तौर से ये बात करेंगे कि भाई जितने भी वादे हम लोगों ने जनता के साथ किए हैं उसको पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है कि वही वादे हैं जो हमारे हमारे हमारी शब्द ही नहीं बल्कि इस उत्तराखंड की कायाकाल को बदलने में पूरा काम करेगी इस उत्तराखंड को जो 20 साल से एक कयास लगाए बैठे हमारी आम जनता है इस पहाड़ की जनता है या उत्तराखंड की जनता है जो इस विकास की ललक को देखकर देखने के लिए वो 20 साल से तरस रही है उसको बदलने का काम जो है यही वादे पूरे करेंगे और ये वादे जो आज जो पार्टी पूरा करने तैयार होगी अब वो पार्टी कौन सी होती है चाहे कांग्रेस होती है बीजेपी होती यूपी डी होती कौन सी होती है वह एक बात है लेकिन जो भी होगा पहली प्राथमिकता तो हमारी ये रहेगी वो वादे पूरे किया जा सके बहुत बहुत धन्यवाद आपका में सर बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य भाई आपने मुझे मौका दिया अपनी पार्टी की तरफ से बात करने का अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो व्यूअर्स हैं दर्शक हैं जितने भी हैं वो हमारी पार्टी के जो आगामी रणनीति है जो आगामी मैनिफेस्टो में जो बातें हैं उसको ध्यान में रखे ध्यान रखेगी और हमारी पार्टी को सपोर्ट करेगी बहुत बहुत धन्यवाद ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मैनोफेस्टो कमेटी के हैं और उनका कहना है क्योंकि जितने भी वादे उन्होंने किए हैं आम आदमी पार्टी ने उनको धरातल पर उतारा जाएगा और अगर जनता साथ देगी तो आने वाले विधानसभा में जरूर इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा और हम आगे भी किसी अन्य शख्सियत के साथ जुड़े रहेंगे तब तक मुझे दीजिए इजाज़त